हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी कढ़ी। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, बेकिंग सोडा, 5 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, नींबू, हींग, जीरा, राई, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, 1 कटा हुआ प्याज और हल्दी। फुल्की बनाने के लिए बेसन में डालेंगे नमक, मिर्चा और बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही होनी चाहिए ताकि फुल्के अच्छे बने। धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी ऐड करती रहूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। फुल्की के लिए हमारा बेसन तैयार हो गया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें फुल्की डालूंगी। फुल्की को लाइट गोल्डन होने तक के अच्छे से फ्राई करना है। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है फुल्की को ताकि फुल्की अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। ये देखिए, फुल्की हमारी रेडी हो गई हैं। अब फुल्की को मैं पानी में डाल करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक मैं कढ़ी के लिए दही तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने डाल लिया है बेसन और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी धीरे धीरे करके ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और रेड चिली पाउडर, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट इसमें हमें नहीं डालना है अभी, सॉल्ट मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी। कढ़ी में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बाद में कढ़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, उसमें मैं डालूँगी हींग, जीरा, राई, हरा मिर्चा, कढ़ी पत्ता और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी बेसन और दही जो मैंने मिक्स करके रखा था। अब इसे अच्छे से मैं चला दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूंगी ढक कर के पकने के लिए, जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। ये देखिए, कढ़ी पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि कढ़ी अच्छे से पक चुकी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सारी फुल्की मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू। नींबू को पूरे में अच्छे से डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं 5 मिनट के लिए कढ़ी को ढक करके रख दूँगी और फिर हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। उसके लिए मैंने पैन में 1 टीस्पून ऑयल और घी ले लिया है। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, साथ में मैं डालूंगी ज़ीरा, राई, और मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालूंगी, हरे मिर्चें और कढ़ी पत्ता। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तड़का लगाने के बाद हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।